नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कपिल शर्मा, कॉमेडी लाफ्टर से जिन्होंने शुरुआत की अपने कॉमेडी के सफ़र की, फिर कॉमेडी सर्कस और अब कलर्स के कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में वो पूरी तरह से छा गए हैं। तो कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है चित्रलेखा में। थैंक यू जी। और चित्रलेखा पढ़ने वालों को और जितने भी लोग अभी वीडियो में देख रहे हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आप ही लोगों ने इस शो को इतना हिट बनाया है। कपिल असल में कैसे हैं? अपनी कॉमेडी की जितनी भी सेंस ऑफ ह्यूमर से हटकर वो उतने कॉमिक हैं असल जिंदगी में? रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ, और मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में जब हम लोग बैठते हैं तो बहुत मस्ती मजाक करते हैं। और कॉमेडी के अलावा मैं जब फ्री होता हूँ कभी तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं मुझे होता है कि अलग अलग देशों की पॉलिटिक्स के बारे में समझूँ, और मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है, और मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है, मुझे बहुत लगाव है। मैं गुलाम अली साहब की गज़लें सुनता हूँ, नुसरत साहब का म्यूज़िक सुनता हूँ, और जगजीत जी की गज़लें सुनता हूँ, हरिहरन साहब की गज़लें सुनता हूँ, सुखविंदर सिंह, दलेर मेहंदी, ये सब मेरे फेवरेट हैं। और लता जी तो ऑफ कोर्स, उनका तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, हर कोई जो भी इस दुनिया में म्यूजिक को प्यार करता है उनको प्यार करता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप बिल्कुल एक ऐसे स्टैंड अप फेयरलेस कॉमेडियन हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो बिंदास लोगों का मजाक उड़ाते हैं, आपका मजाक कब बना? मेरा मजाक, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा तो सामने कई ऑडियंस में जो जिन लोगों से बातें करते हैं वो खुद भी चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, इसीलिए जानबूझ के वो सवाल वाल पूछते हैं मुझसे, तो उसमें कोई वैसी बात नहीं है। अगर एक आदमी का हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं और वो भी बड़ा पॉजिटिव वे में, तो अगर उस एक आदमी की वजह से 150 करोड़ लोग हंस रहे हैं तो उसमें बुरा भी क्या है? तो लोग जानबूझ के करते हैं। और मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम आपके शो में कैसे आए, हम अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं। तो लोगों को अच्छा लगता है, कई इसलिए उड़वाते हैं कि चलो हम टीवी पे आएंगे, और कईयों को मज़ा आता है कि यार वो मुझे पसंद करते हैं। तो वैसा कुछ नहीं है, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं। जब शाहरुख भाई आए थे तो उन्होंने कितना मजाक उड़ाया मेरा भी। और ये कॉमेडी चीज़ ही ऐसी है, जब तक आप अपने से शुरुआत नहीं करेंगे आप किसी के ऊपर किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। कपिल, माशाल्लाह आज आप एक शोहरत की अच्छी, बहुत अच्छी बुलंदी पर आ गए हैं। स्ट्रगल के डेज आपके लिए कैसे थे? स्ट्रगल देखिए, हर बंदा जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करता है, मेरे ख्याल से सब स्ट्रगल करते हैं, और मैंने भी की अपने लेवल पर जितना हुआ। और मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल जो होती है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है, कि उस स्ट्रगल के पीरियड के दौरान आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 10-12 साल पहले जब हम लोग बॉम्बे आते थे, थोड़ा टाइम यहाँ पे रह के फिर चले जाते थे, पैसे ख़त्म हो जाते थे, तो मैं सोचता था कि यार हमें चांस नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या बुरा है हमने किया है, भगवान को दोष देना यार हमारी नहीं सुन रहा है, इतनी दुनिया में लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो लेकिन आज जब मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ उस टाइम को लेकर, कि उस टाइम पर मैं अपनी परफॉर्मेंसेज देखता हूँ जहाँ पर मैं जो भी करता था, तो आज मुझे लगता है, रियलाइज़ होता है कि नहीं यार अब मैं थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ हूँ। ऐसा एक यादगार ऐसी कोई घटना जब एक, अल्लाह ना करे पर्सनल लेवल पे कोई लॉस हो या तबीयत खराब हो या कुछ, लेकिन हंसाना है और आपका तो और जिम्मेदारी है कि हंसाने वाला, वो आपके कब आया? मैं जब कॉलेज में जॉब करता था, ड्रामा टीचर गर्ल्स कॉलेज में, तब मेरे फादर को प्रॉब्लम थी, कैंसर की प्रॉब्लम थी, फाइनल स्टेज पे थे वो, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उनके 3-4 महीने बाद ही पास्ट हुए। तो उस टाइम पे मुझे पता चल गया था कि वो बहुत सीरियस है, लेकिन एक जिम्मेदारी थी मेरी, गर्ल्स कॉलेज में मैं करवाता था, कॉम्पिटिशन की तैयारी करवा रहा था उस टाइम पर, और मैं चाह के भी जा नहीं पाया अपने पापा के पास। और आपके बारे में लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बताइए। मैं अमृतसर में पला बड़ा हूँ, मेरे फादर पुलिस में थे, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरी मम्मी है, अमृतसर में रहती हैं, एक मेरे बड़े भाई हैं, भाभी हैं, मेरी एक छोटी भतीजी है बड़ी प्यारी 3 साल की, कायना, एक मेरी सिस्टर है उसकी मैरिज हो चुकी है, और बाकी मैं हूँ। और आप बहुत ही मोस्ट क्या कहते हैं एलिजिबल बैचलर है, और अब लड़कियाँ, मतलब अब तो आपके पीछे मुझे लगता है लाखों लड़कियाँ पड़ी होंगी। पता नहीं, मुझे मिलती तो एक भी नहीं है। ये तो आप झूठ कह रहे हैं, सफेद झूठ। मुझे नहीं लगता कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर हूँ मैं, जब तक राहुल गांधी, सलमान खान वो कवा रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, तो पहले उनकी हो जाए फिर हम लोग भी देखेंगे।